गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम जो है आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और इसके एक से लेके 40 तक जो प्रश्न हैं वो जीएस के हैं, बाकी 41 से 120 तक जो प्रश्न हैं वो 80 क्वेश्चन जो है जीएस पोर्शन के, बायोलॉजी पोर्शन के हैं। तो चलिए शुरू करूँ। उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो है जो हायर प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फोटोसिंथेटिक कैरी आउट रेस्पिरेशन। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहले का जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट रेस्पिरेशन ओनली, ठीक है ये, और ओनली इन लाइट, यानी कि प्रकाश संश्लेषी जीव ही केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं, ये इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, मतलब दूसरा प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन वस्टर्ड यानी कि सोन चिरैया का कृत्रिम प्रजनन केंद्र जो है, उसके कृत्रिम प्रजनन के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र या कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया। तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया है, सीधा सीधा है। यह क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो ये इसमें कि हमें इनमें से कोई भी एक संख्या भरनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम देखते हैं तो इसको हम देखेंगे तो जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चीज़ है। इसको देखेंगे तो हम देखते हैं कि देखते हैं कि पहला जो है अगर हम देखें तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64, इन दोनों तीनों संख्याओं को हम जोड़ दें और इसमें से ये 4 माइनस कर दें तो 65 बचेगा, ये 65, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी संख्या देखते हैं तो दूसरी संख्या जब हम देखते हैं तो दूसरी संख्या में भी यही कर लेते हैं, 5 का हम वर्ग करते हैं 25 और जो है 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, यानी ये 4 को हटा दो पहले से ही, इन दोनों को जोड़ लो या इन तीनों को जोड़ लो, 4 को घटा दो तो ये लगभग जो है 34 बचेगा 4 घटा के, ठीक है ये भी सही है 34। अब हम अगर इसको देखें तो इसमें हम देखते हैं तीन का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, ठीक है, और फिर 3 का वर्ग 9, तो 9 दूनी 18 कितना हो गया, और 16 इनको जोड़ दो, या तो इस ठीक है 18 और 6 24 24 और 10 34, 34 में से 4 घटा दो आप, क्योंकि इन तीनों में से 4 घटा रहे थे सब में, तो ये 30 बचेगा, क्या बचेगा 30, और पहला ऑप्शन 30 है, पहला ऑप्शन क्या है 30 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 30 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम जब देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है, या किस शहर को कारपेट सिटी कहते हैं या कालीन नगरी कहते हैं, किस शहर को कारपेट सिटी या कालीन नगरी कहते हैं, तो ये भदोही शहर को जो है कारपेट नगरी या कालीन कारपेट सिटी या कालीन नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो इसका बिल्कुल सही से आंसर है जो है वो 77.7%। अगला क्वेश्चन है कि मकर रेखा को दो बार कौन सी नदियों में से निम्न में से कौन सी नदियाँ जो है मकर रेखा को दो बार क्रॉस करती हैं। तो दो बार क्रॉस करने वाली जो नदी है वो है लिम्पो नदी, लिम्पोपो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सूची को सम्मिलित करना है मरुस्थल को और अवस्थिति को। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है,
काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, यानी पहला ए का पहला, बी का दो, और सिचुरा पेरू में है, तीन सी का, और नेसेग जो है नेगेश ये इजराइल में है, तो चौथे डी का चार। अब इसमें ऐसा देख लीजिए जिसमें मतलब कि चारों हो, तो ये पहला सही है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, और चौथे का चौथा। अगला क्वेश्चन जब हम बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन की बात करें तो किस स्तूप में आर्य स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त, मेरे हिसाब से ये सांची होना चाहिए, लेकिन अभी ये चूंकि मुझे कंफर्म नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगाए दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सांची मेरे हिसाब से है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन मई 2021 में कहाँ हुआ था, ये बर्लिन शहर में हुआ था, कहाँ हुआ था, बर्लिन में हुआ था, और बर्लिन किस देश में है, ये जर्मनी में है, तो इसका जर्मनी यानी सी ऑप्शन ठीक रहेगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि IRRI का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ये जो है बनारस में है, कहाँ पर है, बनारस में है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद की बात कर लें, अगर हम एक जिला और एक उत्पाद की बात करते हैं तो जो है पहले का चौथा, सॉरी पहले का डी या डी का पहला, ललितपुर में हल्दी होती है, लहसुन जो है वो मुख्यतः मेरे हिसाब से गाजीपुर में होता है, लहसुन कहाँ होता है, सॉरी लहसुन गाजीपुर में नहीं, गलती हो गई, लहसुन जो है वो होता है आपका मैनपुरी में, और प्याज जो है वो गाजीपुर में होती है, मिर्च जो है वो देवरिया में होती है, तो इसका इस तरीके से बी ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन, जीन के अंदर कोई भी परिवर्तन हो किसी भी तरह का वो हम उसको उत्परिवर्तन या म्यूटेशन ही कहते हैं, जीन के अंदर कोई भी परिवर्तन हो। अब विटामिन को मिलाना है तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल सही बात, विटामिन के से स्टेरिलिटी नहीं होता है, ये विटामिन ई से होता है, किससे होता है, ई से होता है, विटामिन ई से, तो ये क्वेश्चन जो है इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट बोला है, क्या बोला है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, तो यही करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, बाकी ये तीनों वेरी वेरी विटामिन बी और या थायमिन से होता है, नियासिन से पहले ग्रह होता है, ये मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वो है कि मई 2021 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर आश्रिता बी ओलेटी, ये डी ऑप्शन सही है। अगला है विशिष्ट खेती, खेती का प्रकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है, विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं, विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है, ये भी, तो इसका मेरे हिसाब से जो सही होगा वो दूसरा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी कम्युनिटी का संयोजन संगठन और विकास, इसका किसका, कम्युनिटी का, उसके पर्यावरण के साथ एनवायरमेंट के साथ जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम सिनेकोलॉजी या पारिस्थितिकी समपारिस्थितिकी कहते हैं, ऑर्टिकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी किसको कहते हैं, जब कोई सिंगल जीव अपने पर्यावरण के साथ रहता है और हम उसका अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सवाल का, 9 मजदूर हैं, 5 दिनों का वेतन 6300 रुपये है, कितना है, 6300 रुपये, एक मजदूर का वेतन निकाल लीजिए 5 दिन का 700 रुपये, कितना आया, 700 रुपये। अब एक मजदूर का वेतन, तो एक मजदूर का वेतन आएगा वो आपका आएगा 5 × 5 पंचों को 20, 140 रुपये, एक मजदूर का वेतन कितना हुआ एक दिन का, 140 रुपये, तो ये कह रहे हैं कि 15 मजदूर का 4 दिनों का वेतन निकालना है, तो 140 को 4 से गुणा कर दिए, 14 × 56 560 रुपये जो है 4 दिन का वेतन होगा एक मजदूर का, तो अब 560 को जो है हम लोग क्या कर लेंगे, 560 को इंटू कर देंगे 15, क्या कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा
15 दिन का आ जाएगा। 15 छक्का 90, 15 पाँच 75, 75 में 9 जोड़ो तो 84, और एक बिंदी है 8400 इसका आंसर आ रहा। तो अगर हम देखें तो 8400 किस ऑप्शन में है, 8400 बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, मतलब झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया है वो किस अधिनियम के द्वारा बनाया है, तो 2014 अधिनियम के द्वारा, इसका बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है, ये सही है। ग्लास संग्रहालय बनारस में नहीं है। कन्नौज राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में, तो उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, लूजोन जो द्वीप है वो प्रशांत महासागर में है, मेडागास्कर हिंद महासागर में है, ग्रीनलैंड द्वीप अटलांटिक में है, और बैफिन द्वीप अंटार्कटिका है, मतलब फर्स्ट का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो अगला क्वेश्चन है वो जो है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग, तो जिहा के निम्न भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है, तो जिहा के अग्रभाग द्वारा जो है, अग्रभाग द्वारा किस भाग द्वारा, सॉरी अग्रभाग के द्वारा, अंगले भाग के द्वारा, टिप के द्वारा मीठे भाग मिठास का या उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से है, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु पीतल फीका का पड़ जाता है, तो इसका है बी ऑप्शन सही, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, तो जो है निम्न में से किसने कहा कि किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है अपितु जमींदारों पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है, ये भगत सिंह का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य सूचकांक था, तो वेलोइंग वाटर, ये मुख्य शीर्षक था। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है बढ़ते हैं, तो सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में है, कहाँ है, आगरा ज़िले में है, और एक मानव निर्मित जलाशय है, ये बात सही है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ही ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक सवाल है, एक साइकिल को 1200 रुपये में बेचने, 1120 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, क्या होती है, 20% हानि होती है, कितने में बेचने पर, 1120 रुपये में बेचने पर, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो 1120 रुपये में बेचने पर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि इसका जो क्रय मूल्य है वो एक्स है, क्या है, एक्स। ठीक है, ठीक, अब इससे 1120 में बेच रहे हैं, ठीक है, 1120 में बेच रहा है, तो इससे विक्रय मूल्य निकल आया, क्या निकल आया, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को हम रख देंगे इसी के बराबर, क्रय मूल्य ठीक है गुणे हानि प्रतिशत, कितना, क्रय मूल्य गुणे हानि प्रतिशत, तो 20/100, ठीक है, 20 से ये कट गया, 5 आया, इसको कर लेंगे हम लोग, तो एक्स बटे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये 5x माइनस 1120 में 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 × 10 5 × 5 और 6, और ये 5 × 5 सॉरी ये गलत हो रहा है,
तो ये एक्स, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें, इसके नीचे एक मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा पूरा एक्स माइनस 1120, ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं 5 से और बराबर में आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आया था वो आया था 5x 1120 बराबर एक्स, तो ये बचेगा 4x और इसमें 5 का गुणा हो जाएगा तो ये 5600, कितना आएगा 5600। 5600 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1400, कितनी आएगी 1400। ठीक है, तो जो हानि हुई वो 280 रुपये की हानि हुई, 1400 में से हम 1120 को घटा देंगे तो जो हानि हुई वो 280 रुपये की हानि हुई। खैर, हमें 280 से क्या लेना देना, अब हमें जो 1400 आया है वो आ गया इसका क्रय मूल्य, क्या आ गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य जब 1400 रुपये आ गया तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दो, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे तो 40 बराबर वाई, वाई क्या है, वाई मान लेते हैं हम विक्रय मूल्य, ठीक है, और अपॉन 1400 क्रय मूल्य गुणा 100, दो बिंदी से दो बिंदी कट गई और ये 40/1, तो ये आ गया वाई, वाई इज इक्वल टू 1400 को 56, 5600 रुपये, यानी 560, कितना आ गया, सॉरी 560, दो बिंदी कड़ी थी, 560, 560 को हम 1400 में जोड़ देंगे तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 1960 रुपये। ठीक है, तो इस तरह इसकी से ये सवाल भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि जो सौ जी मतलब एक क्वेश्चन है, इसमें भी यही बताना है कि ये नॉट मीन्स करेक्ट, मतलब नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड, यही इसमें बताना है कि नॉट करेक्टली मैच्ड 27वें में। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसका जो होगा ऑप्शन वो मेरे हिसाब से जो है सर ये आगरा नहीं है, ये इटावा है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं, तो इसमें सोना पानी जो नदी है वो सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्ट, गौरी गंगा इसका हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा जो है कैंसर पूरे विश्व में समानता सर्वाधिक, तो मेरे हिसाब से कार्सिनोमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये गोले की त्रिज्या है, अगर हम इसको लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा, इसको लगा के देख लीजिएगा। इसका रीजनिंग है तो ये बी सी डी, और उसके बाद ई छूट रहा है, फिर एफ जी एच आई जे छूट रहा है, फिर के एल एम एन ओ छूट रहा है, फिर पी क्यू आर एस टी छोड़ दो यू, ये डी इसका सही होगा। आगे बढ़े तो 32वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में लैंड डाउनलिंग की पहचान के लिए एक यूनिक कोड बनाया जिसमें 16 अंक का है, कितने अंक का है 16 का, तो बी इसमें सही है इसका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश का कौन सा शासक नहीं था, अग्निमित्र इसका नहीं था क्योंकि ये शुंग वंश का शासक था, किसका था, शुंग वंश का। आगे बढ़ते हैं तो 34वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी, 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब्रिस्तान नहीं है, तो ये TKK इसको ऐसे याद किया था हम लोगों ने, तो आंध्र प्रदेश में ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये आर्द्रभूमि को जोड़ना है, तो ये जोड़ा हुआ है, हालांकि यही इसका सही है,
कोराड़ी जो है मणिपुर में, महाराष्ट्र में, तो वी का 4 हो जाएगा, और ये टम्बुआ है इसका सिक्किम में, तो 3 हो जाएगा ए का, और असुम्पा है ये उड़ीसा में है तो इसका 2 हो जाएगा, और यार लुटवट है ये तो इसका 1 हो जाएगा, 3-4-1-2-1 ये तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो है अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है वो माल और सेवा कर नहीं है, ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था, ये जॉन मार्शल ने कराया था, ये भी ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी आर दास थे, चितरंजन दास, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एक्स वाई का योग इनके अंतर का 5 गुना है, एक्स और वाई का योग इनके अंतर का 5 गुना है, तो इससे वैल्यू निकालेंगे तो 3 आएगी। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन बायोलॉजी के शुरू होते हैं, 40 तक तो यह सुन। बैगन के लघु पर्णी रोग का कारक, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो बीमारी है वो मेरे हिसाब से फाइटोप्लाज्मा से होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्या है, फाइटोप्लाज्मा से होती है, सी ऑप्शन ठीक है। सबसे बड़ा न उड़ने वाला दो पैर का पक्षी ये शुतुरमुर्ग है, बी सही है। आगे बढ़ते हैं, गन्ना जैसे उष्ण कटिबंधीय पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की उच्च क्षमता जो होती है वो इसमें क्रैनियल एनाटॉमी जो पाई जाती है उसके कारण होती है, ये C4 प्लांट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, इसको हैच स्लैक प्लांट भी बोलते हैं, C4 प्लांट है इसके कारण इसमें सही है। आगे बढ़ें, वह प्रजाति जो समुदाय अन्य समुदाय पूरे समुदाय की बनावट को बनाए रखती है, मतलब कि अन्य जीवों को प्रभावित करती है या पूरी कम्युनिटी को गवर्न करती है, की स्टोन स्पीसीज कहलाती है, डी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं तो कोल्ची साइन जो एल्कलाइड है वो कंद से प्राप्त होता है, घन कंद से, या कोर्म से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, कोर्म से, तो एक ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, मेढक की नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन आँखों, चूँकि मेढक जल में रहता है और फल में, तो इसके लिए जो आँखों की सुरक्षा और नमी के लिए निकटेटिंग मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, ये सही है। कौन सा ट्री फर्न है, ट्री फर्न जो है साइथिया होता है, ये क्वेश्चन आंसर जिसने भी लगाया वो गलत लगाया, इसका साइथिया होता है, और साइथिया जो है वो मेरे हिसाब से चौथे ऑप्शन में है, साइथिया सही। कौन से पौधे की जड़ में बेलामिन की परत पाई जाती है, वेंडा में पाई जाती है, ये भी गलत लगा, या ऑर्किड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट एशिया में पाया जाता है, पंतु एंडीज लामा में, ये जो है असंगत वितरण का उदाहरण है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में सामान्यता बडिंग पाई जाती है, तो हाइड्रा में पाई जाती है, इसका ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। कौन सा जानवर मुख्यतः कोई क्लोथर्म है, तो ये लिजार्ड है, चूँकि जो है इसके लिए दो तरह के जानवर होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड, ठीक है, छिपकली इसका एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, जौ का कवर्ड स्मट और बार्ले, ये क्वेश्चन जो है गलत किया है जिसने भी किया है इसका, ऑस्टिलोगो होडिया होडियाई ये आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 53 नंबर का, इसको जिसने कर लिया ये समझिए बहुत बड़ा काम कर लिया, ये इस बच्चे ने किया है, ये इसका सही है। द्विनाम पद्धति जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये गॉस्फोर्ड बाहुन ने ही प्रपोज किया था, लेकिन इसको कार्ल लीनियस को इसका फादर माना जाता है, कैरोलस लीनियस को, तो ये गलत हो जाएगा, ये पहला इसका ऑप्शन सही है, उसके लिए मैं चैलेंज कर दूंगा किसी को भी, ठीक है, ये पहला सही है। दूसरा है, निम्न में से कौन सा बास्ट फाइबर, तो सनहेम्प और जूट, तो जूट तो है नहीं, सॉरी जूट एग्जांपल में है, सनहेम्प नहीं है, ये मनीला हेम्प है, तो उसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन
इसका ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन अभी चूँकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें क्रिएटिन फॉस्फेट, बाइबियो कोस्की, आर्जिनिन फॉस्फेट, ये तीनों चीज़ें इसके लिए आवश्यक होती है। तो दो तीन चार जिसमें होगा वो ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन इसका ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 56वां क्वेश्चन जो है वो है, किस समूह के थैलस में तेल पिंड पाए जाते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केंसिया और रिक्सिया इसमें ही पाए जाते हैं, तो ये लिवर वर्ट्स होते हैं, ब्रायोफाइट इनमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बनता है, तो इसको न्यूमेटोफोर राइजोफोरा, ठीक है, फिल्लोक्लेड नागफनी और पहला इसका सही है, पहला इसका ठीक है, पहला ठीक है, क्योंकि न्यूमेटोफोर राइजोफोरा, फिल्लोक्लेड जो है नागफनी और डी क्लेडोड जो है ये होगा, ठीक है, सी का फर्स्ट हो गया और डी का फोर हो गया, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पौधों में जो है केंद्रक विहीन कोशिका का उदाहरण है वो फ्लोएम की सीवटी होती है, ये मैच्योर हो जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आइवेरे समीरा या कैंडिडाफ्ट, ठीक है, ये जो है क्रूसीफेरी का या ब्रेसिकेसी का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है? तो स्कॉलियोडॉन को ही हम डॉगफिश कहते हैं, पहला इसका सही है, बाकी ये गलत है। इसको स्टिंगरे बोलते हैं, टॉर्पीडो को, लोबियो को कुछ और बोलते हैं, ये नहीं है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। तो हृदय की जो गति है उसके लिए दो तरह की चीज़ें, तंत्रिकाएं यानी नर्वस सिस्टम और हार्मोन, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, सॉरी ये बटन दब गया। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग, काफ़ी आगे निकल गए थे। ठीक है, आगे बढ़ने पर हमने देखा कि ये इसके लिए यही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो निम्न में से किसके पास साइजोसीलोम होता है? तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के पास साइजोसीलोम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोकेन किससे प्राप्त होता है? एरिथ्रोजाइलम से प्राप्त होता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जूलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें वाटन जेली जो है यानी बी ऑप्शन इसका सही है, दो धमनियों और गर्भनाल की एक सिरा को घेरने वाला जो म्यूकॉइड संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू होता है वो वाटन जेली होती है। ठीक है, आगे बढ़ें, बी ऑप्शन सही था। विंग्ड पोलन ग्रेन्स जो है, ये विंग्ड पोलन ग्रेन्स इसमें कह रहा है कि मतलब नॉट करेक्टली मैच्ड, इसने कहा है कि क्वेश्चन में नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें देखो, ट्रेबिक्यूल सिलेजिनेला के तने में पाया जाता है, जैगमिया पिग्मिया सूक्ष्मतम जिम्नोस्पर्म है। जो विंग्ड पोलेंस हैं वो जो है मेरे हिसाब से साइकस में नहीं पाए जाते हैं, ये पाइनस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पाइनस में पाए जाते हैं। तो यही ऑप्शन सही है, बाकी ये मृतोपजीवी होते ही है मोनोट्रोपा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उल्टे ओमेगा आकार के वेस्कुलर बंडल रेचिस में पाए जाते हैं साइकस के। आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए की जो फिंगरप्रिंट पीसीआर का उपयोग है वो मेरे हिसाब से प्रीनेटल डायग्नोसिस में होता है, लेकिन ये अभी मुझे कंफर्म नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से इसमें होता है, परंतु कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डीएनए सुधार के लिए भी रिपेयर होता है। तो ये जो है
अभी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इस पर, आयोग क्या मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टोमेटल कंट्रोलिंग की बात हो रही है, स्टोमेटल रेगुलेशन की बात। तो इसमें ये मैग्नीशियम नहीं होता है, पोटेशियम इसका ठीक है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम आयन ही इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पाइलस, ओ हो पाइलस ग्लोबोसा के रेडुला के प्रत्येक अनुप्रस्थ कतार में कितने दांत पाए जाते हैं, तो इसमें 7 दांत पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कौन सी परत खरगोश की ग्रंथियों और केराटिन संरचनाओं को जन्म देती है, तो ये स्टेटम जर्मिनेटम होती है। ठीक है, आगे बढ़ें, किसमें सर्वाधिक कार्बन भंडार पाया जाता है, तो ये जो है वैसे कार्बन भंडार मृदा ह्यूमस, ये महासागरों में पाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, अब दोपट्टा में कौन सी संरचना मोती का स्राव करती है, तो ये नेक्रियस पर करती है, ये भी क्वेश्चन जिसने भी लगाया वो गलत। इसका सी ऑप्शन ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका ठीक होगा, नेक्रियस लेयर। आगे बढ़ें, तो क्रूसीफेरी जो सफ़ेद रस्ट है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ये सिस्टोपस कैंडिडस से होता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक किया है जिसने भी किया है। आगे चले तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स वुड लाइकली बी फाउंड इन द टिश्यू लाइनिंग द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज म्यूकस, ये गॉबलेट सेल्स होती हैं, कौन सी कोशिका उस अंग के स्तर वाले ऊतक में पाए जाने की संभावना है जो म्यूकस पैदा करता है, तो गॉबलेट सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्तनियों के वृषण यानी टेस्टिस, मैमल के टेस्टिस में एंड्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, ये इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, सी ऑप्शन इसका ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधे, पौधों के फूल के बीच परागण की क्रिया को हम लोग जीनोगेमी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीनोगेमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए सीधा सीधा है कि टर्मिनेशन जो है जीटीपी ट्रांसक्रिप्शन अमीनो अम्ल, तो इसका चूंकि मेरे हिसाब से तीसरा है, सही है जिसने भी लगाया है, बाकी देख लेना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एरगोट, एरगोट जो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त होता है, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ें, 79 क्वेश्चन है, थोड़ा रह गया है पेपर, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 79 जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड, तो गैस्ट्रोपोडा पहला का मतलब इसमें आप देख लीजिए कि ए का फोर कौन है, तो ए का फोर मेरे हिसाब से ये बी में है, किसमें है, बी में, तो ए का फोर हो गया, बी का थ्री हो गया। ठीक है, पॉलीकिटा नेरिस, इंसेक्टा का जो है फर्स्ट हो गया, लेपिज्मा और होलोथीरिया और कुकरबेरिया, तो इसका बी सही है। आगे बढ़ें, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाला मांसपेशी नहीं है, उड़ने वाला मांसपेशी नहीं है, यह गैस्ट्रोनियस, गैस्ट्रोनियस सी ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति में कितने प्रकार की खाद्य श्रृंखला, मेरे हिसाब से दो पाई जाती है, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने चार भी माना है साइंटिस्ट ने, और कुछ लोगों ने तीन भी माना, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दी मैंने, तो दो वैसे ठीक होगा। इसमें झींगे के निम्न किस उपांग के साथ पद क्लोम सेल लगे, इन विच फॉलोइंग अपेंडिक्स ऑफ द प्रॉन पोडो ब्रांच इज अटैच्ड, तो ये द्वितीय जन भक
पदक, द्वितीय जंब पदक या सेकंड मैगजी लिपिड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जब हम, तो इसमें देखिए कूट मिलाने हैं, मसाले को मिलाना है, तो पहले का पहला ही है जिंजरबेरेसी, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है, चौथे का चौथा है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, तो ये सेंट्रल लेसिथल एग फाउंड इन दी, तो ये इंसेक्ट में पाया जाता है, किन क्विट के अंडा, सी सही है। किसमें रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है, न्यूट है, न्यूट में रीजनरेशन की पुनर्भरण की क्षमता नहीं होती। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज या द्विनिषेचन की खोज नवाश्चिन्न ने की थी। आगे बढ़ें, यदि कोई, देखिए बिल्कुल सरल सा है, मैंने इसको लगाया भी था कि जो वर्णांध होंगे वो बेटे होंगे और बेटियां जो होंगी वो नॉर्मल होंगी, वर्णांध जो होंगे वो बेटे होंगे और बेटियां जो होंगी वो नॉर्मल होंगी, इसका ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या कैरियर होंगी, सॉरी बेटियां कैरियर होंगी, ये मैंने लगाया था इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जब हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त ग्रंथियाँ, तो ये फेरेटिमा में पाई जाती हैं, बी ऑप्शन ठीक है, या जो है अर्थबोम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में होने वाला सामान्य कवक, ये दाद होता है, रिंगवॉर्म। आगे बढ़ें, 19 क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा में जो है स्रोत नहीं होता है, तो यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, थोरियम होता है, कैडमियम नहीं होता है, बी ऑप्शन इसका ठीक है, कौन सा है, बी ऑप्शन नॉट अ सोर्स, तो बी ऑप्शन इसका सही है। यदि एक वर्ग की कोटि का अंत ई ई ई तो ये ट्राइब होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका भी सही। आगे बढ़ें, जिम्नोस्पर्म्स वुड आर कलेक्टिवली सॉफ्ट वुड नोन एज सॉफ्ट वुड, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ, बाइकाओं की कमी के कारण इसको जो है सॉफ्ट वुड कहा जाता है, वेसल्स की लेकिंग ऑफ वेसल्स। आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक आ तीन और इसका डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ें, चूँकि मैं बता दिया हूँ आपको कि जो न्यूट्रोफिल्स है, यूसिनोफिल्स प्रतियोगिता संख्या नंबर ऑफ इंक्रीज इन एलर्जी, और न्यूट्रोफिल्स जो है वो कणिका पराग के लिए है, तो ये तीन सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे 90 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं, तो देखते हैं 90 क्वेश्चन के बाद, हाँ 93 के बाद 94 क्वेश्चन है, तो इसमें दिया हुआ है सूची फर्स्ट, तो कॉटन ब्लू से कवक।